इस टाइम वर्कआउट करने से आपका फैट लॉस होता है और इस टाइम वर्कआउट करने से आपका मसल गेन होता है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सभी आप लोग। दिस इज गोलू और आपका स्वागत है एक और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम टाइम के बारे में कि हमें कौन से टाइम वर्कआउट करना चाहिए जिसकी वजह से जो भी हमारा गोल है वो आसानी से अचीव कर पाए। और इस टॉपिक को हम ओनली 2 पॉइंट्स में खत्म करेंगे, बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ओके, नंबर फर्स्ट, जैसे कि आपको पता है आज की जो ह्यूमन लाइफ है वो कितनी ज्यादा बिजी है। और आप यहाँ पर कोई ऐसी जॉब करते हो जो सुबह से स्टार्ट होती हो या स्कूल का टाइम है, और बहुत से ऐसे बिजनेस है जो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाते हैं 4 से 5 बजे के टाइम पर, जैसे कि आपके डेयरी शॉप्स हुई और वेजिटेबल शॉप्स वगैरह। अगर आप इनमें से कोई बिजनेस करते हो या कोई जॉब करते हो तो आप शाम का ही टाइम यानी कि इवनिंग टाइम वर्कआउट कर सकते हो। और यहीं पर आपकी जॉब या बिजनेस कोई 12 बजे से स्टार्ट है और लेट नाइट तक चलता है तो आपको यहाँ पर मॉर्निंग टाइम वर्कआउट करना चाहिए। ओके, सो ये हो गई टाइम टेबल से रिलेटेड बात। बट आपको यहाँ पर एक और बात पता होनी चाहिए, आज से जो जिम टाइम थे इंडिया में वो कितना हुआ करता था, सुबह या शाम 5 से लेकर 9 या 10 बजे तक। बट आजकल की बिजी लाइफ देखते हुए और लोगों की फिटनेस का ख्याल रखते हुए इंडिया में ऐसी भी जिम ओपन हो गई है जो कि 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन खुली रहती है। So, अगर आप जिस टाइम अच्छा फील कर रहे हो, आपकी डाइट पूरी हो गई हो और आप रिकवर भी हो गए हो, जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए और जो भी आपका नेक्स्ट मसल है उसे ब्रेक कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे गोल के बारे में। बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि सुबह वर्कआउट करने से हमारा फैट लॉस होता है और इवनिंग टाइम वर्कआउट करने से हमारा मसल गेन होता है। ये कहना और मानना बिल्कुल सही है बिकॉज ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर हम सुबह भी वर्कआउट करके हमारा मसल गेन कर सकते हैं और शाम को वर्कआउट करके हमारा फैट लॉस हो सकता है। और ऐसा इसीलिए, जो हमारे फैट लॉस और मसल गेन है वो हमारे कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट पर डिपेंड करते हैं, और साथ में एक प्रॉपर रिकवरी भी होना जरूरी है। ओके, और बात रही हमारे मॉर्निंग टाइम वर्कआउट करने से फैट लॉस और इवनिंग टाइम वर्कआउट करने से मसल गेन, ये कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से समझेंगे। फिलहाल सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, कोई भी फिटनेस से रिलेटेड मिथ हो उसे आप पूछ सकते हो। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।